4 जुलाई के लिए ऋषि चिंतन के सानिध्य में भाग 1 से स्वाध्याय विषय आशावादी व्यक्तियों से मिले। मनुष्य का व्यक्तित्व और बाह्य जगत एक दूसरे के सापेक्ष है। जैसा व्यक्तित्व होता है उसी प्रकार का जगत एवं वातावरण भी बन जाता है। हमारा व्यक्तित्व हमारे विचारों का ही प्रतिबिंब है। कर्मठ व्यक्ति अपने चारों ओर आशा, उत्साह और सौहार्द का वातावरण बना लेते हैं और परस्पर आशा एवं प्रगति का संदेश देते हैं। वे अपने साथ साथ दूसरों को भी नवीन ज्योति देते हैं और सच्चे अर्थों में जीवन के पारखी होते हैं। मनुष्य के विचार उसके जीवन निर्माण में बहुत महत्व रखते हैं, किंतु निराशावादी स्वयं तो नैराश्य में डूबे रहते हैं। दूसरों को भी वे निरुत्साह एवं गिरी हुई बातें कहकर भाग्य को दोष देते हैं। आप आशावादी व्यक्तियों से मिलिए। उसकी मुस्कुराहट में जीवन होता है। उसकी प्रसन्नता की किरणें वातावरण को भी सजीव एवं मुखरित कर देती हैं। जीवन का हर क्षण उनके लिए नया स्पंदन एवं संदेश लाता है। अखंड प्रसन्नता प्रभु का प्रसाद है और इससे अंतर और बाहर दोनों प्रफुल्लित रहते हैं। जीवन का हर दिन उमंग एवं आशा का संदेश लिए आता है। प्रकृति उनको मधमाती जान पड़ती है। पवन का हर झोंका सौरभ की सृष्टि करता है। ऐसे व्यक्तियों से मिलकर आप भी नई स्फुरणा और उत्साह अनुभव करते हैं और जीवन आपको सुंदर, सरस और स्वप्निल लगता है। अखंड ज्योति, नवंबर 1957, पृष्ठ 26।